रैना साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब आप आए थे तो खबर ये थी कि रविंद्र रैना साहब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है जी, अब अगले अध्यक्ष कोई होंगे। लेकिन आज दिल्ली में जब आप वापस जम्मू कश्मीर जाएंगे तो खबर ये है कि 2026 नहीं 27 तक का टिकट लेकर वापस जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, हमारा एक संविधान है, पार्टी हमारी एक नियम से चलती है। हमारा संविधान है कि अध्यक्ष की एक टर्न होती है और बहुत ज़रूरी पड़े तो दूसरी टर्न भी उसको मिल सकती है, फिर आपको कहीं बीच में एक ब्रेक होता है और ये पार्टी का नियम है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ में प्रचारक के नाते से मैंने काम किया है, आज भी ज़मीन पर सोने वाला आदमी हूँ। हम देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले हैं, हमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। मोदी साहब ने जैसे कहा था ना, किसी ने मोदी साहब को पूछा कि आप प्रधानमंत्री ने एक कभी अगर प्रधानमंत्री से आपने संन्यास ले लिया तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा झोला उठा के किसी मंदिर में, आश्रम में, जंगल में चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम भी उसी विचार के हैं। आप पूजा पाठ के लिए नहीं जा रहे, आप तो पॉलिटिक्स के लिए यहाँ से वापस जा रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक के नाते से मैंने काम किया है। पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी की खिदमत करना, मुझे बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ दी। मैं अपने जितने कार्यकर्ता हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं पार्टी के, जो हमारे पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल, ज़िला, प्रदेश और नेशनल लेवल की लीडरशिप है, मैं सबका हमेशा धन्यवाद करता हूँ। मुझे बहुत प्यार पार्टी के कार्डर ने दिया, पार्टी के लोगों ने दिया और आम जनता ने दिया, और मैंने सफलतापूर्वक, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वहाँ DDC हो, BDC हो, पंचायतें हो, म्यूनसिपलिटी हो, हर जगह BJP ने क्लीन स्वीप किया, थंपिंग मेजोरिटी से हम जीते। ये पहला मौका होगा जो BJP के अंदर इस तरीके से तीसरी बार कोई अध्यक्ष बन रहा है। देखिए, अभी तो इसका जो है वो ऑफिशियल ऑर्डर आएगा शाम। देखिए, नहीं वो देखिए एक प्रक्रिया है, अभी तो ऐसा मेरे कुछ मित्र हैं जिसका आपने जिक्र किया, मैं जब भी कभी मीटिंग के लिए दिल्ली आता हूँ तो एक मेरे बहुत मित्रवत कुछ साथी हैं, वो अक्सर खबर चलाते हैं कि बन गया, गए। अच्छा, इस बार गए, इस बार तो आप गए नहीं। तो हर बार नहीं, नहीं, जब भी मैं दिल्ली आता हूँ, कुछ मेरे बड़े मित्र हैं वो खबर चलाते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और जब मैं बैठक से निकलता हूँ तो जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो इंतज़ार में करते रहते हैं कि ये खबर है, फिर वो अगले दिन उनका होता है, वो कहता है आई नहीं और आगे। इसलिए आजकल कहीं मीडिया तो भी पता कि ये र्यूमर है नहीं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई। देखिए, मैं अभी जब तक कोई पार्टी का निर्णय नहीं होता, हमारी अंडर पॉजिटिव कंसिडरेशन है, चलो अब तो इसलिए जब पार्टी कोई निर्णय करती है तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी सह प्रभारी और हमारे संगठन मंत्री और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता सब बैठते हैं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी डिसीजन व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं लिया जाता। हमारी पार्टी में जब भी कोई निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है, सब मिलकर कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। हमारी पार्टी में जिम्मेवारियाँ बदलती हैं, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हम सबको मिलकर, एकजुट होकर मिशनरी मोड में देश और समाज के लिए काम करना है, हमेशा के लिए करना है। जब आप कार्यकर्ता हैं बूथ के तब भी काम करते हो, जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो तब भी करते हो, जब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहोगे इससे भी ज़्यादा काम करना है।